छत्तीसगढ़ बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर बलरामपुर जिला पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष साव का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यहां के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह और ऊर्जा दिख रही है, वहीं उन्होंने बघेल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार हर वर्ग के लोगों को ठगने का काम कर रही है। जिले के कार्यकर्ताओं में, जिले के जनता में उत्साह है। ये इस बात को बताता है कि इस बार छत्तीसगढ़ में फिर से कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज छत्तीसगढ़ की जनता, हर वर्ग इस सरकार से नाराज है, आक्रोशित है। इस सरकार ने हर वर्ग को ठगने का काम किया। किसानों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को, सबको ठगने का काम किया, सबको धोखा दिया। जन घोषणा पत्र में बड़े बड़े वायदा किए, गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाकर, लेकिन एक भी वादा इस सरकार ने पूरा नहीं किया।